तो आइए सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं महाकाल कॉरिडोर मध्य प्रदेश का, जिसकी तस्वीर आपके सामने इस वक्त है, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब महाकाल की नगरी से आशीर्वाद किस पार्टी को, किस दल को मिलने जा रहा है, सी वोटर सर्वे क्या कहता है, सबसे पहले वोट परसेंटेज के माध्यम से आपके सामने इस डेटा को हम रखने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी क्या बीजेपी जीत हासिल कर पाती है, कितना परसेंट वोट शेयर उनको मिलता नजर आ रहा है, 58%, 58%। इसके अलावा कांग्रेस को 36%, अदर्स के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है सी वोटर सर्वे के मुताबिक। तो ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें यहां पर भी तकरीबन 60 के आसपास, 50 से बहुत ऊपर 58% वोट शेयर बीजेपी को मिलता हुआ लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है। और चलिए अब बात करते हैं सीटों की। अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें किसको मिलती हैं, ये डेटा आपके सामने एबीपी न्यूज पर हम रखने जा रहे हैं सबसे बड़े ओपिनियन पोल के माध्यम से। ये है सीटें आपके सामने, कुल लोकसभा की सीटें हैं 29 और यहां पर बीजेपी के खाते में सारी 27 से 29 सीटें जाती नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में महज 0 से 2 सीटें। तो आप देख लीजिए कि वोट परसेंटेज के मामले में भी और सीटों के मामले में भी बीजेपी यहां पर कांग्रेस से बहुत आगे लोकसभा चुनाव में निकलती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।